कोरोना हेल्पलाइन ग्रुप निर्गुण दरबार मंडावर की ओर से जन सहयोग के द्वारा यहां जरूरतमंदों को पहुंचाया जा रहा है भोजन। दिहाड़ी मजदूर व छोटे मोटे काम धंधे करने वाले सहित आसपास के जिलों राज्यों से आए हुए व्यक्ति जो सीजन के हिसाब से जरूरत की वस्तुओं को गांव-गांव बेचते हैं, उनका काम धंधा बंद होने के कारण वह कस्बे में रुके हैं, उनके लिए दोनों समय के भोजन की व्यवस्था मंडार के सरकारी अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में प्रसूता महिलाओं के संग आए परिजन व भर्ती मरीजों के संग आए परिजनों को दोनों समय की भोजन व्यवस्था, बुजुर्ग महिला पुरुष जो यातायात की व्यवस्था बंद होने के कारण बाजार से राशन नहीं खरीद पा रहे हैं, उनके लिए दोनों समय का भोजन घर बैठे पहुंचाना, दिव्यांग व्यक्तियों को घर बैठे खाना पहुंचाना। स्टेट हाईवे संख्या 35 स्थित मंडावर बस स्टैंड पर सुबह शाम खाने के स्टॉल लगाकर दूर दराज से खाद्य सामग्री आवश्यक वस्तुओं का परिवहन कर रहे ट्रक चालकों को भोजन कराना सहित यातायात व्यवस्था बंद होने के कारण पैदल चलकर अपने घरों तक पहुंच रहे यात्रियों को भोजन कराना। कोरोना महामारी के इस दौर में स्थानीय पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रहे पुलिस मित्र एनसीसी कैडेट्स व होम गार्ड के जवानों को नाकाबंदी स्थल पर ही भोजन व्यवस्था करवाना। कोरोना हेल्पलाइन नंबर 9166420001। आई कॉल के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को उसके बताए गए स्थल पर भोजन पहुंचाना आज से नई व्यवस्था और चालू की जा रही है। कृषि उपज मंडी मंडावर में अपनी जीन्स को बेचने आए अन्नदाता को भी भोजन कराने का निर्णय लिया है। इस मानव सेवा के कार्य में 2 दर्जन स्वयंसेवक, 3 चौपहिया वाहन, 6 दुपहिया वाहन भी लगे हुए हैं जो समय पर भोजन बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। दौसा से कैलाश सैनी की रिपोर्ट। भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी, उन तक भोजन पहुँचाया जाएगा। क्यों कि देश का अन्नदाता भूखा रहेगा तो देश को कौन संभालेगा। सबसे पहले पेट के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, तो जो अन्न का दाता होता है उसके लिए सर्वप्रथम भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आज से नई व्यवस्था किसानों के लिए कृषि मंडी में चालू की गई है।